राजस्थान में अब विधानसभा चुनाव को काफी कम समय रह गया है। ऐसे में नेता मैदान में उतर चुके हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। अब इन महोदया को ही सुन लीजिए जो कांग्रेस के प्रत्याशी पर सरसों चोरी करने का आरोप लगा रही हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के विधायक रहे मेजर ओपी यादव की पुत्रवधू अंजलि यादव मुंडावर क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट मांग रही थी। पैनल में अंजलि यादव का नाम था, लेकिन पार्टी ने 2018 में बसपा से चुनाव लड़ने वाले ललित यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। ललित यादव सचिन पायलट के करीबी कहे जा रहे हैं, लिहाजा अंजलि यादव में आक्रोश दिखा और उसके बाद उन्होंने ललित यादव पर जमकर आरोप लगाए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अभी तक 76 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इन प्रत्याशियों और विधानसभा सीटों को कांग्रेस सबसे मजबूत मान रही है। अभी तक बीजेपी में ही विरोध के स्वर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस में भी विरोध के स्वर नजर आने लगे हैं। मुंडावर विधानसभा सीट से टिकट मांग रही अंजलि यादव ने अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी आलाकमान और प्रत्याशी ललित यादव पर जमकर हमला बोला। क्या वो प्रबल दावेदार है? क्या वो सही दावेदार है? क्या वो सब कुछ कर लेगा? ये कुछ हमारे भले के लिए खड़ा हुआ है क्या? वो मुंडावर के भले के लिए खड़ा हुआ है क्या? अगर मुंडावर का इतना भला चाहता तो उसका विरोध मुंडावर में कभी इतना नहीं होता। जिसके ऊपर सरसों चोरी करने का इल्जाम है, वो जो सरसों चोरी कर सकता है वो क्या क्या चोरी करेगा? कुछ भी तो कर। आप ये समझिए, जिसने इतना बड़ा हम जो मेरे पापा के बारे में ये कहता फिरता है, जो मेरे पापा के साथ रहता था, मेरे पापा ने उसको अपना एमएलए का क्वार्टर दे रखा था, उसको महासचिव बनाकर रखा है, और जिसने जो जिसने मेरे पापा के मरने के बाद ये कहना शुरू कर दिया, अरे वो तो बाहर के थे, वो तो बाहर के थे, एक बार भी इज्जत से ये निकला। जो पहले तो ये कहता था भाभी जी नमस्ते, आज उसकी नमस्ते भी खत्म हो गई। आज वो कहता है कि ये तो फैमिली बदतमीज होती है, ऐसे आदमी को टिकट दे दी और हमारे बारे में सोचा भी नहीं। लोगों को संबोधित करते हुए अंजलि यादव ने कहा कि कांग्रेस ने एक चोर को ही टिकट दे दिया है। जिस व्यक्ति पर सरसों चोरी करने का आरोप है, वो इस क्षेत्र में क्या क्या चोरी करेगा? ऐसा व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए क्या काम कर सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। गौरतलब है कि अब अंजलि यादव ने किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। कहा जा रहा है कि वो आजाद समाज पार्टी से अपना चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने ललित यादव का नाम लेते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने उनको राजनीति में खड़ा किया, आज उसी के परिवार का ललित यादव अनादर करते हैं और उनके खिलाफ गलत बोलते हैं। पार्टी को सोचना चाहिए था कि वो किस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं। लोगों से समर्थन मांगते हुए अंजलि यादव ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगी इसके बारे में अभी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। उनका कहना है कि जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। अंजलि ने लोगों से समर्थन मांगते हुए चुनाव जीतने की अपील की। अब अंजलि यादव ने जिस तरह से ललित यादव पर सरसों चोरी का आरोप लगाया है, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपका अंजलि यादव के बयान को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए अलवर से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।